अच्छा, अब यहां पर मैं ले रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, दिस इज द फोर्स बिटवीन मासेस, ठीक है। और याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम से भी आपके पास इंडिपेंडेंट है। कैपिटल जी आपके पास जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा वो मून पे भी होगा और वो किसी और प्लेनेट पे भी होगा, ठीक है। सो दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और याद रखिए ये भी आपके पास जो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। तो कैपिटल जी का वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट होगा, वह सरफेस ऑफ अर्थ हो, वह मून पे हो, वह जुपिटर हो, वह मार्स पे, ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगा। स्मॉल जी डब्ल्यू डिवाइड बाय एम, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन ये आपको फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है, ठीक है। और स्मॉल जी आपके पास जो है, स्मॉल जी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ये मास ऑफ अ बॉडी से इंडिपेंडेंट है जी। अगर मास डबल हो जाए, देखिए मैं इस मार्कर को ऊपर से पेंक रहा हूं, इसमें भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, मैं किसी हेवी मास को भी पेंक रहा हूं उसमें भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आप मास को डबल करें तो वेट भी डबल होगा, द रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो स्मॉल जी ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ठीक है। सो स्मॉल जी आपके पास जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और देखिए डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ अर्थ वॉल्यूम 4/3 πr³, तो मास ऑफ अर्थ को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आप इस तरह लिख सकते हैं, तो आपके पास जी बन जाएगा 4/3 डेंसिटी πr³, ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं। अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो फिर आर आपके पास आर ई बन जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसको लिख सकता हूं जी इज इक्वल टू 4/3 डेंसिटी πr³ डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ये आपके पास स्मॉल जी का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये आर क्यूब, अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तो ये भी आर स्क्वायर बन जाएगा, कैपिटल आर, तो स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल, आपके पास आर बन जाएगा। तो जी इज इक्वल टू 4/3 डेंसिटी पाई आर, ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके पास आ जाए, याद रखे अगर ये आपके पास अर्थ, दिस इज अर्थ, ठीक है, और ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, जमीन पे सरफेस पे, सरफेस पे जी का वैल्यू आपके पास जो होगा जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, जो कि आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड दिस इज द एवरेज कांस्टेंट वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ, और एवरेज में क्यों बात करोगे कि सरफेस ऑफ अर्थ पे भी जी के वैल्यू वेरी होता है, पेशावर में ज्यादा है, मरी में जी के वैल्यू कम है, तो उसका एवरेज निकाला ये 9.8। अगर एक बॉडी ऊपर जा रहे हाइट एच पे जा रहे, तो फिर जी एच आपके पास होगा जी माइनस टू जी एच डिवाइड बाय आर ई, ठीक है। तो हाइट पे आपके पास जी का वैल्यू जो होगा वो जी से कम होगा, ठीक है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो जी का वैल्यू कम होगा, अगर आप डेप्थ पे जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप डेप्थ पे जा रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे डी, आप डेप्थ पे जा रहे हैं, ठीक है, आप गहराई में जा रहे हैं,
तो फिर जी डी आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू जी माइनस जी डी डिवाइड बाय आर ई, ठीक है। और याद रखे डेप्थ पे भी जी का वैल्यू वो जी पे जी से कम होगा, और सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर आप देखिए डी को आप आर ई रिप्लेस कर दो, आर ई कैंसल, तो आपके पास जी डी जो होगा सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू जो होगा इट विल बी इक्वल टू जीरो। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू आपके पास जो है वो जीरो होगा, वहां पर हमने अर्थ को स्फेरिकल लिया है, वरना अर्थ आपके पास होते वो स्फेरिकल शेप का नहीं होता, ठीक है, वो आपके पास इस किस्म के ओवल शेप का होता है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। और ये आपके पास जो है इसको हम पोल कहते हैं, इसको मैं आर पी आर ई लिख लेता हूं, इक्वेटर का रेडियस, इसको मैं आर पी लिख लेता हूं, पोल का रेडियस। इक्वेटर पे जी का वैल्यू को मैं जी ई लिख लेता हूं, पोल पे जी के वैल्यू को मैं जी पी लिख लेता हूं, ठीक है। तो याद रख के आपके पास इक्वेटर का जो रेडियस है वो पोल के मुकाबले में 21 किलोमीटर ज्यादा होगा ऑन द एवरेज। द रेडियस ऑफ इक्वेटर ऑन द एवरेज 21 किलोमीटर इज मोर देन द रेडियस ऑफ पोल। तो देखिए जी पी द वैल्यू ऑफ जी एट पोल, जी ई द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। ये बात याद रखे कि इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू है वो पोल के मुकाबले में क्या है, कम है। तो देखिए अगर आप मुख्तलिफ बुक्स में देखें तो इस किस्म के एमसीक्यूज भी है कि अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, यू विल ऑब्जर्व डैश इंक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, सेम वेट, या नन ऑफ दिस। तो अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज, आप अपने वेट में डिक्रीज ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी का वैल्यू इंक्रीज, यू विल ऑब्जर्व इंक्रीज इन वेट, आप वेट में इंक्रीज ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एक और चीज, जी पी मीन्स द वैल्यू ऑफ जी एट पोल, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिन मोशन ऑफ अर्थ, स्पिन मोशन ऑफ अर्थ से इंडिपेंडेंट है। अगर अर्थ स्पिन मोशन तेज करे, अर्थ स्पिन मोशन स्लो करे, अर्थ स्पिन मोशन स्टॉप करे, पोल पे जी की वैल्यू पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जी ई इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू है, इट डिपेंड्स अपॉन स्पिन मोशन ऑफ अर्थ, स्पिन मोशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। और आसानी के लिए मैं लिख लूंगा जी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, जी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एंगुलर स्पिन वेलासिटी ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अगर अर्थ स्पिन मोशन बढ़ाते हैं, ओमेगा बढ़ेगा, तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होगा। अगर एंगुलर स्पीड कम कर रहे हैं अर्थ स्पिन मोशन के दौरान, ओमेगा कम, जी ई बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एंड इफ अर्थ स्टॉप स्पिन मोशन, इफ अर्थ स्टॉप स्पिन मोशन, अगर अर्थ स्पिन मोशन स्टॉप करे, ओमेगा जीरो, जी ई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब जी ई आपके पास जी के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू। इफ अर्थ स्टॉप स्पिन मोशन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर विल बी मैक्सिमम कांस्टेंट, जी 9.8 के बराबर आ जाए। अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज करता है अर्थ, जी ई डिक्रीज। अगर एंगुलर स्पिन मोशन डिक्रीज, जी ई इंक्रीज। अगर अर्थ स्टॉप स्पिन मोशन, तो इक्वेटर पर जी का वैल्यू वो 9.8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जी के बारे में जरूरी पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब हमारे पास है रियल वेट, रियल वेट, रियल वेट आपके पास होते डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये रियल वेट होता है। और सरफेस ऑफ अर्थ पे रियल वेट हमेशा कांस्टेंट होता है। अपरेंट वेट, अपरेंट वेट द फोर्स विच सपोर्ट बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, द फोर्स विच सपोर्ट बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, वो फोर्स जो बॉडी को गिरने से बचाए उसको हम अपरेंट वेट कहते हैं।
अगर आप देखें, ये आपके पास मास m, ये टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये इसका वेट, तो ये टेंशन आपके पास जो है इस बॉडी को गिरने से बचा रहे हैं। स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये इस बॉडी को गिरने से बचा रहा है, ठीक है। तो इस टेंशन को फिर हम क्या कहेंगे, अपरेंट वेट कहेंगे। याद रखिए सरफेस ऑफ अर्थ पे रियल वेट हमेशा mg होता है, ठीक है। किसी भी बॉडी का रियल वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक एलिवेटर है जिसको हम आम अल्फाज में लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, ये एलिवेटर, और एलिवेटर के सीलिंग के साथ मैंने मास m को अटैच किया, ठीक है। ये आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है आपके, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, और मैंने मास अटैच किया, दिस इज द वेट, और स्प्रिंग में टेंशन T आपके पास होगा जो इस बॉडी को गिरने से बचा रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, केस वन, इफ एलिवेटर मूविंग अपवर्ड आर डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलासिटी, विद यूनिफॉर्म वेलासिटी मीन्स वी आपके पास कॉन्स्टेंट हो, मोशन अपवर्ड हो या आपके पास डाउनवर्ड हो, एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, जीरो। तो बींग माई स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग जहन में बैठा दें, कि अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलासिटी से हो, या जीरो एक्सेलरेशन से हो, ठीक है, तो हम नॉर्मल फील करेंगे। अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलासिटी से हो, मतलब आप गाड़ी में जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलासिटी से, तो आप नॉर्मल फील करते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेन में जा रहे, ट्रेन यूनिफॉर्म वेलासिटी, बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं, नॉर्मली ट्रेन में आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड हो तो आप जर्क फील करते हैं, नॉर्मल आप फील नहीं करते फिर। तो देखिए, अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलासिटी से हो, कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन, तो स्प्रिंग बैलेंस आपको जो वेट शो करेगा वो रियल वेट होगा। यूनिफॉर्म वेलासिटी से मोशन वी विल फील नॉर्मल, तो स्प्रिंग बैलेंस आपको वही वेट शो करेगा जो कि बॉडी का रियल वेट होगा। अब रियल वेट ही आपको शो करेगा। ये आपके पास केस वन, केस टू, एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो, हम कभी भी नॉर्मल फील नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन आपके पास हो यूनिफॉर्म, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो, फिर हम कभी भी नॉर्मल फील नहीं करेंगे, तो ये स्प्रिंग बैलेंस भी नॉर्मल फील नहीं करेगा, तो ये आपको नॉर्मल वेट शो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने अपवर्ड मोशन लिया है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन होते हैं उस फोर्स को हमने पॉजिटिव लेना होता है और दूसरे को हमने नेगेटिव। तो देखिए, आपके पास जो नेट फोर्स होगा वो टी माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, और टी आपके पास है वो एफ प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं इस एफ को लिख सकता हूं एम ए और डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूं एम जी। तो टी आपके पास एम इंटू ए प्लस जी, या मैं इसको जी प्लस ए लिख लूंगा, ए प्लस जी भी आप लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, ए प्लस जी या जी प्लस ए की बात। तो देखिए, आपके पास जी ए, मैं इस जी ए को, जी प्लस ए को मैं जी ए से रिप्लेस कर लेता हूँ, टी इज इक्वल टू एम इंटू जी ए, वेर जी ए इज द अपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी ए आपके पास जो है, दिस इज अपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जी ए आपके पास जो है, दिस इज इक्वल टू जी प्लस ए, और अगर ये जी प्लस ए के बराबर है तो जी ए विल बी ग्रेटर देन जी, और अगर जी ए जी से ग्रेटर हो तो स्प्रिंग बैलेंस आपको जो वेट शो करेगा वो रियल वेट से ज्यादा शो करेगा।
स्प्रिंग बैलेंस आपको जो रियल वेट, जो वेट शो करेगा वो रियल वेट से ज्यादा होगा। ठीक है, कितना ज्यादा होगा डिपेंड्स अपॉन द लीनियर एक्सेलरेशन। तो आप इसको देख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो टी आपके पास डब्ल्यू से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा डिपेंड्स अपॉन द लीनियर एक्सेलरेशन। अगर मैं लिख लो, मैं अगर एक एग्जांपल लिख लो, इफ ए इज इक्वल टू जी, अगर ए आपके पास ए आपके पास जी के बराबर, तो जी प्लस जी टू जी बन जाएगा। टी आपके पास टू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू टू एम जी आपके पास बन जाएगा। अगर एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो स्प्रिंग बैलेंस विल शो डबल वेट। अगर रियल वेट 20 न्यूटन है, स्प्रिंग बैलेंस 40 न्यूटन वेट शो करेगा। ठीक है, अगर मैं लिख लो इफ ए इज इक्वल टू टू जी, ए को मैं 2g से रिप्लेस करूं तो g प्लस 2g आपके पास 3g बन जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू 2g तो t आपके पास जो इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रियल वेट, 3 टाइम्स ऑफ रियल वेट के बराबर होगा। तो मैं अगर इसको जनरलाइज करूं, देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये आपके पास 1, ये 2। अगर मैं लिख लूं a इज इक्वल टू 7g तो t आपके पास 8 टाइम्स ऑफ रियल वेट के बराबर होगा। तो अगर मैं लिख लूं इफ ए इज इक्वल टू एन जी तो अपरेंट वेट आपके पास एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ रियल वेट होगा। अगर ए आपके पास एन जी के बराबर हो तो टी विल बी इक्वल टू एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ रियल वेट। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन एलिवेटर अपवर्ड जा रहे हैं, एक्सेलरेशन आपके पास है वो 10 जी हो तो 10 प्लस 1 11, तो स्प्रिंग बैलेंस आपको 11 टाइम्स वेट शो करेगा। एक पायलट है वो अपवर्ड डाइव लगा रहे हैं और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं, तो पायलट विल ऑब्जर्व ग्रेटर वेट, वो ग्रेटर वेट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास अपवर्ड में जरूरी पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब मैं केस 3 ले रहा हूं, मैं केस 3 ले रहा हूं, एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड, एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन्स ए आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन आपके पास इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन, तो वेट के अलॉन्ग आपके पास, वेट के अलॉन्ग मोशन है, तो एफ आपके पास है दिस इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन, और टेंशन आपके पास है दिस इज इक्वल टू वेट माइनस फोर्स एम जी माइनस एम ए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एम इंटू जी माइनस ए, और जी माइनस ए को मैं जी ए से रिप्लेस कर लेता हूं। ठीक है, जी ए आपके पास जो है ये बेसिकली जी माइनस ए के बराबर है। ठीक है, और जी ए को अगर आप देख लें, जी ए जी से कम होगा, तो इसलिए आपके पास अपरेंट वेट जो होगा वो रियल वेट से कम होगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्प्रिंग बैलेंस आपको जो वेट शो करेगा वो रियल वेट से कम होगा, वो रियल वेट से कम होगा, तो टी इज लेस देन द रियल वेट। टी आपके पास जो है वो रियल वेट से कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अपरेंट वेट वो रियल वेट से कम होगा। अगर मैं लिख लो इसके लिए एग्जांपल, टी इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, अगर आपके पास ए जो है, मैं अगर एग्जांपल्स लू, फर्स्ट इफ ए इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई टू, इसमें पुट करें तो टी आपके पास डब्ल्यू डिवाइड बाई टू के बराबर होगा। इफ ए इज इक्वल टू जी, अगर ए आपके पास जी के बराबर है तो अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू जीरो, अपरेंट वेट आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू जीरो। इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज फ्री फॉलिंग मोशन। ठीक है, फ्री फॉलिंग मोशन, कोई भी बॉडी अगर आप छोड़ ले वो जी एक्सेलरेशन से गिरेगा, इसको हम फ्री फॉलिंग मोशन कहते हैं। और फ्री फॉलिंग मोशन में स्प्रिंग बैलेंस आपको
जीरो वेट शो करेगा, बॉडी का वेट जीरो वो शो करेगा, वेटलेस। अगर आप एलिवेटर में, एलिवेटर डाउनवर्ड आ रहे हैं और सडनली उसका रस्सी टूट जाए तो आप अपना वेट क्या फील करेंगे? जीरो। आप अपना वेट जीरो फील करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडीशन में रियल वेट क्या होगा, रियल वेट इज एमजी, या रियल वेट है, रियल वेट हमेशा एमजी ही होता है, लेकिन अपरेंट वेट जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं लू इफ ए इज इक्वल टू 2g, यहां पर पुट करें 2g, तो g माइनस 2g माइनस g, तो आपके पास अपरेंट वेट माइनस w के बराबर होगा। ठीक है, अपरेंट वेट आपके पास होगा वो माइनस w के बराबर होगा, सही है। तो मैं लिख सकता हूं डाउनवर्ड मोशन में, इफ ए इज ग्रेटर देन जी देन टी विल बी इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव वेट। अगर एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन में, तो फिर आप अपना वेट नेगेटिव फील करेंगे। पायलट है, वो जहाज को डाउनवर्ड मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड, तो वो पायलट अपना नेगेटिव वेट फील करेगा। नेगेटिव वेट मीन्स इस तरह लगे कि ऊपर आसमान आपको खींच रहा है। ठीक है, हर चीज तो अर्थ की तरफ गिरते हैं ना, आप फील करेंगे कि आप ऊपर की तरफ, आपको कोई खींच रहा है। टी आपके पास है वो नेगेटिव होगा। जनरली मैं लिख सकता हूं इफ ए इज इक्वल टू एनजी, तो अपरेंट वेट आपके पास 1 - n टाइम्स ऑफ w। ठीक है, 1 - n टाइम्स ऑफ w। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो ये आपके पास अपरेंट वेट में, तो वेट विल बी डिक्रीज। अगर मैं लिख लू ए इज इक्वल टू 6g, तो 1 - 6 - 5 टाइम्स ऑफ रियल वेट, इस तरह आप ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि अपरेंट वेट जीरो भी हो सकता है, अपरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा भी हो सकता है, अपरेंट वेट रियल वेट से कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रियल वेट हमेशा आपके पास mg होगा, रियल वेट विल बी ऑलवेज mg। अगर मैं एक MCQ बना लूं कि एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड वेयर स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड विद सीलिंग ऑफ एलिवेटर मेयर 100 N वेट एज एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड वेर स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड विद सीलिंग ऑफ एलिवेटर मेयर 100 N वेट इज अ 50 N इज अ 50 N देन acceleration of elevator will be equal to dash 4.9 meter per second square, b option aapke paas hai 9.8 meter per second square, c option aapke paas jo hai 19.6 meter per second square aapke paas jo hai, aur d option aapke paas jo hai that is 0 meter per second square। ठीक है, तो ये आपके पास एक MCQ। तो आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाउनवर्ड मोशन, अगर MCQ में आपके जहन में नहीं आ रहा कि मुझे MG प्लस A लिखना होगा कि MG माइनस A लिखना होगा, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कभी जिंदगी में आपने रस्सी के साथ कोई मास अटैच करके ऊपर खींचा होगा, तो अगर आप किसी चीज को ऊपर खींच रहे काफी भारी लगता है तो MG प्लस A, और ऊपर से आप रस्सी के साथ आपने कोई चीज बांधो और आप छोड़ रहे नीचे आ रहे हैं तो आपको हल्का लगता है, तो MG - A। इस तरीके से आप याद करेंगे, तो आप देखिए अपरेंट वेट हाफ ऑफ वेट, तो ए भी आपके पास क्या होगा, g/2, और g/2 याद रखिए g 9.8 g/2 4.9 2g 19.6 आपके पास होता है, तो आंसर आपके पास क्या होगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्प्रिंग बैलेंस रीड, स्प्रिंग बैलेंस रीड 18 N वेट इज अ 160 N वेट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन स्प्रिंग बैलेंस रीड 18 N वेट
is 160 newton weight moving in a upward direction with 8 meter per second square acceleration. With 8 meter per second square acceleration, then gravitational field strength will be dash. Gravitational field strength आपके पास क्या होगा? A option 9.8 meter per second square, B option 8 meter per second square, C option 19.6 meter per second square, D option 16 meter per second square. Gravitational field strength क्या होगा? तो देखिए 80 न्यूटन को 160, तो 160 80 का डबल है. Apparent weight is 2 times of W, तो A क्या होगा? G. A will be equal to G. तो ये आपके पास acceleration, ये आपके पास gravitational field strength होगा 8 meter per second square. ठीक है, आपके पास answer जो है वो ये बनेगा. ठीक है, अगर आप previous papers में देखें तो एक question आया है. अगर आप previous papers में देखें, question है कि monkey is decelerating downward whose braking strength is 2 divided by 3 of weight, then acceleration of monkey will be dash. एक्सेलरेशन ऑफ मंकी आपके पास जो है वो क्या होगा? ठीक है, ये आपके पास जी डिवाइड बाई 3, बी ऑप्शन आपके पास 2 डिवाइड बाई 3 जी, सी ऑप्शन आपके पास है 1 डिवाइड बाई 6 जी, और डी ऑप्शन आपके पास 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए डाउनवर्ड है और 2 बाई 3 ऑफ वेट. डाउनवर्ड में आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे, टी इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस ए. तो देखिए आपको बताया गया है कि T आपके पास 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ रियल वेट. ठीक है, तो T आपके पास 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ रियल वेट, तो मैं लिख लूंगा एम जी माइनस ए 2 डिवाइड बाई 3 एम जी, मास और मास कैंसल. ठीक है, तो G माइनस ए इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ G. इसको अगर आप सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन आपके पास G डिवाइड बाई 3 बन जाएगा. सिंपल, आप एक्सेलरेशन को वहां पर शिफ्ट करें, इसको आप यहां पर शिफ्ट करें. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन जो है वो 1 डिवाइड बाय 3 जी आपके पास आ जाएगा. 1 डिवाइड बाय 3 जी आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये भी आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू.